जिसमें वादी जो है वो राधा जी हैं, जो यहीं के मथुरा की ही हैं। वो यहाँ पे आगरा आए थे, ये मथुरा आए थे वो लोग घूमने के लिए, तो प्लेटफॉर्म से उनका बच्चा जो है वो चोरी हो गया था सुबह के लगभग 4 बजे के आसपास, जो कि फुटेज आप लोगों ने देखा होगा। तो जैसे ही मुकदमा लिखा गया था उसके बाद जो है इसके लिए 6 टीमें जो है वो बनाई गई थी, सर्विलांस की टीम, कई थानों की टीम इसमें लगाई गई थी, जिसमें कासगंज है हमारा, हाथरस है, मथुरा है, आगरा है, कई जगहों की टीम जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे इसके अनावरण के लिए लगाया था और फुटेज को हम लोगों ने कई जगहों पे सर्कुलेट करवाया था। उसी प्रकरण में ये संज्ञान में आया, जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गैदर हुआ कि वो बच्चा की चोरी जो है वो ये दीपक नाम का लड़का है, ये हाथरस का है, दीपू इसको बोलते हैं, इसका एक कहाँ है आपका प्रेस नोट नहीं आया, दीप कुमार है, ये हाथरस का है। तो ये जो आप लोगों ने फुटेज देखा होगा वो आदमी जो है वो दीप कुमार है, जो बच्चा जो है वो उठा करके ले गया था। फिर उसके बाद हमें पता चला कि पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड इनका गैंग है, पूरा एक जिसमें कई लोग शामिल हैं, जिसमें बच्चा चोरी करने वाले हैं, बच्चा बेचने वाले हैं, इसमें कुछ 2 महिलाएं भी शामिल हैं जो ANM का काम जो है वो हाथरस में करती हैं, और उनके द्वारा जो भी जिसको जिस भी दंपति को बच्चे नहीं होते हैं उनका क्या करते हैं कि वो लोग उनके पास आते हैं, फिर वो हॉस्पिटल वाले के पास ले जाते हैं और वहाँ पर ये बच्चे को बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है और उनके जो भी लोग हैं उन तक पहुँचाया जाता है। तो इसी में पूरे जो सिंडिकेट था तो उसमें हमने बच्चा जो है बरामद किया है, जो उस बच्चे का नाम संजय है उसको हमने बरामद करके उसके माँ बाप को जो है वो सुपुर्द किया है, और इसमें जितने भी लोग इसमें शामिल थे उन्हीं लोगों को हमने सभी लोगों को अरेस्ट किया है। ये पूरा मामला है। कितने लोग ठीक है सर, क्या ये बच्चा बेचा गया है और कितने में बेचा गया है? तो बाइट हो रही है सर, बाइट।